क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग कार्व कटान इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आप लोगों ने सीखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और भी एक पॉइंट सीखा होगा कि थर्ड डिग्री का कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री, और सेकेंड डिग्री का कार्बोकैटायन फर्स्ट डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट से काम ना बने तो हम यूज करते हैं हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन में क्या दिखा है, जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए पहले हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कार्बोकैटायन आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रयास करते हैं कि इस ऑर्डर से हम क्वेश्चन को आंसर कर दें। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में डला है ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है, थर्ड डिग्री का, बहुत अच्छे। और ये सेकेंड वाले में भी हो गया, ये आपका थर्ड डिग्री का हो गया, ये कौन से डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का हो गया। और जो आपका फोर्थ वाला है ये आपका हो गया सेकेंड डिग्री का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केवल इतनी इंफॉर्मेशन से थर्ड वाले को कैंसिल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और फोर्थ वाले को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ आपका लोअर डिग्री में प्रेजेंट है। अब जो फर्स्ट और जो सेकेंड डले हैं दोनों थर्ड डिग्री के आते हैं, तो हम थर्ड ये ऑर्डर को यूज करके हम इन दोनों की स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, अब हाइपर कंजुगेशन का हेल्प लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन के केस में आप लोगों ने सीखा होगा कि जो कार्ब कटायन होता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन, और इन्हीं को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और इस तरह से उस कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड डला हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे तो ये भी अल्फा कार्बन है, और इधर जाएंगे आप ये भी अल्फा कार्बन हो जाता है। कैलकुलेट करते हैं कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड शो किया तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसके पास में कितना हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में कितना हो गया 1 अल्फा हाइड्रोजन, तब टोटल करेंगे 3 + 3 + 1 कितना हो गया 7 अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में मिल जाता है, अच्छी बात है। चलिए अब सेकेंड वाले में कैलकुलेट करते हैं, तो सेकेंड वाले में अगर आप देखें इस कार्बन के पास में क्या हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे अल्फा कार्बन, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया 1 अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 1 कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, दोनों में कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट वाले में 7 अल्फा हाइड्रोजन और सेकेंड वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब बताइए, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखें, ठीक है, अरे हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, एलिमिनेट क्या करना है भाई, इसको इन दोनों में थर्ड और फोर्थ में तो क्लियर है कि सेकेंड डिग्री का मोर स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री, तो फोर्थ वाला सेकेंड डिग्री का था, तो फोर्थ वन इज मोर स्टेबल देन थर्ड वन बोला जा सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर हमें मिला, और फर्स्ट एंड सेकेंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, फिर इसके बाद में सेकेंड हो गया, और फिर इसके बाद में आपका फोर्थ होगा, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड वाले में फर्स्ट डिग्री में कार्बोकैटायन, फोर्थ वाले में सेकेंड डिग्री का, और ये आपका इसमें 7 हाइपर कंजुगेशन, और इसमें कितना हो गया, ये आपका 5 हाइपर कंजुगेशन हो गया। 1, 2, 4, 3 कहीं पे डला है 1, 2, 4, 3 लीजिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।